बख्तो मैनू ये तो दसो हो की रहे थे, इतनी सारी है ये चेहरे पड़ी हैं, क्या है ये, क्या है? कोई फंक्शन करा रहे हो तुम? को ढोलकी रख ली है तुमने किसी की बर्थडे की, अपने दोस्तों की, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Come on, propose. Why are you always in tension? देखें, गेम किसी और की नहीं है, गेम हमारी भी हो सकती है, दावत हमारी भी हो सकती है, टेंशन क्यों ले रही है आप? ओए गाल छोड़ो टैगर, ये कहीं तेरा वियाशिया का प्रोग्राम तो नहीं है? पॉप से राधा तो वही था, लेकिन लेटर ऑन फिलहाल हम जाएंगे एक वर्ल्ड गैम्बलर गेमिंग जोन में। हाय, ऐ की कह रहा है, अब हम स्टेज में गेम खेलेंगे? बात होगी, अब मैं तो जवान हूं, खेलेंगे फिर। अरे मॉम परेशान मत हो, बहुत मजा आएगा आपको। वो क्या कहते हैं, म्यूजिकल चेयर गेम है ना मॉम। म्यूजिक की बीट पे तेज हार्ट बीट और सबकी नजर कुर्सी पे, और गेम का नाम है मेहमान कौन। और आपको पता है, जैसे ही कोई पहला कुर्सी में बैठेगा तो फिर तो ये गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस घर में मेहमान तो एक ही है और वो तुम हो। ओह रियली, गेम तो तुझे खेलना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे साथ, सबके साथ। गेम विल स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। पॉप्स एंड द गेम स्टार्ट नाउ। म्यूजिक बजाओ, कम कम कम। टाइगर जिंदा है, आ जाओ, चित गया तू। ओह मेरा पुत्र, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इनका बेटा कोई जंग जीत आया हो। और क्यों हैरान हो गया, जीत गया यार। पॉप्स पॉप्स पॉप्स, मैं आप लोगों को एक बात बताता हुआ चलूं, हाँ। कि जो इस गेम में आखिर में कुर्सी में बैठेगा, हाँ। वो इस गेम का विनर होगा और साथों साथ इस घर का मालिक होगा। की कह रहे हैं तू? सच कह रहा हूँ फोपो, जो आजकल कुर्सी पे बैठता है पावर उसी के हाथों में होती है। यूप यूप। ओए की बकवास कर रहा टाइगर यार, निराली नो इस तरह की गल्ला नहीं पसंद यार। पायन इसको चुप कराए, इसको चुप कराए, मैं इसको ना पंधूंगी इसकी, ये जो ना कह रहा है इतनी लंबी, ये पंधूंगी मैं इसकी, तो समझा ले आप, बकवास किए जा रहे हैं, निकल जाता हूँ। फोपो मैं सच कह रहा हूँ, आपने खुद अपने हाथों से इन पेपर्स पे साइन किया था और ये बंगला मेरे नाम कर दिया था। क्या बकवास कर रहा है, झांपड़ खाएगा तू मुझसे? मैंने कभी किया ही नहीं साइन। ये क्या बकवास कर, मैं तुझे मारूंगी, मैं जूती उठा लेनी है। पाया ने समझा लो कि मैं मारूंगी एनु। एक तो इस घर वालों का बड़ा प्रॉब्लम है, रिपीट कैसे चल रहा है? अरे मेरे कहां चला गया, बात तो बात करा, देख ले आप पेपर, चुप चुप चुप, क्या है देखो। और निराली, ओ ठंडी हो जा, ठंडी, मैं एनु समझा, ओ इधर चल, पागल हो गया है। मैं देख पुत्र की कीता है, क्या हुआ इसको, है मैं तेनु भी बाजी जी, पागल हो गया है। सीधे जी बात कर रहे ना, सीधे जी बात कर रहे हैं। My very expensive super elite shirt. Hey, ki nawa drama kita tu? Oh my God, God, God! What are you doing, guys? Ek to Tiger ne itni fun way mein itni important news aap logon se share ki, aur aap logon ne fun way mein left right kar di. How shame, shame, shame! Oh, hey! Aur tan pata nahi teri phupo nirali di tabiyat theek nahi hai. Is tarah da mazak bardasht karegi wo? Oh, really? Oh, really? Ya aap keh rahe? एदा मतलब है वो जड़े कागज सर। यस 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 पॉप्स, जो आप इतने अरसे में ये काम नहीं कर सके ना, टाइगर ने कुछ ही दिनों में कर दिया। दिस इज कॉल्ड हैवी हैवी स्कल एंड यू नीड टू टेक अ क्लासेस फ्रॉम मी पॉप्स। ओ हेडमास्टर दे पुत्र, मैंने तो दसना थी कोते दा पुत्र। No, 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 Pops, don't curse yourself. You are insan da putar, not a gadhe da putar. Now here is new king. Oh,
और निराले नु की जवाब देवांगा मैं। तो सबको कह दीजिएगा कि नेक्स्ट मीटिंग टाइगर करेगा 5 बजे। सो एंजॉय। किस तरह की औलाद दीती है मेरा मौला, ये तो बड़ा बेइज्जत कराएगा, सानू भी कटाएगा इस घर तो। वो हमारे साथ इतना बड़ा हैंड कैसे कर सकता है? और आप मॉम, ये आप ही के सिग्नेचर्स है ना? आहो इट्स ओके निराली जी, हुआ तो हमारे साथ फ्रॉड ही है, लेकिन प्लीज आप टेंशन ना लें, हम सब आपको इस चीज में अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाजी मैं तो वो... तू पीछे हो जा मेरे करीब ना आना, मैं तेरे ना पाल देंगी। तो ज्यादा पूरी दुनिया से धोखा खाया है, लेकिन अपने मुझे धोखा नहीं देंगे बाप। लेकिन ये तो साफ निकले। बाजी तुसी स्वेयर चुकवा लो मुझसे, मैंने तो पता ही नहीं था, मेरे तो एंजल्स को भी खबर नहीं थी सबकी। पर आप ना बिल्कुल फिक्र नहीं करो, डोंट वरी, मैं जाके खुद विटनेस करती हूँ, मैं पूछती हूँ उसको जाके, आप फिक्र ना करें। और टाइगर रामे धनाली जी, आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? प्लीज खुद को संभालें। क्या संभालूं, मेरे पास राह क्या है जो संभालूं? प्लीज रिलैक्स, वी विल हैंडल दिस। धनाली जी मुझे तो पहले ही आइडिया था दैट ही इज अप टू समथिंग। अप टू व्हाट? मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा हूं ना, तो आइडिया है कि ऐसे वो प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा सकते, इतना आसान नहीं है, और अब तो क्लेम भी कर सकते हैं। साकली निराली जी, उससे फ्रॉड किए, सीधा सीधा झूठ बोले, हम पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा लॉयर मेरा दोस्त भी है एंड ही इज क्वाइट सक्सेसफुल। साकली एंड देन सोशल मीडिया, निराली जी पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्लीज मत भूलें, हम उसकी वीडियो बना के उसको वहां भी एक्सपोज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो क्या समझ रहा था कितना आसान है हमें बेवकूफ बनाना? हाँ बस करो बस, ये अपने आइडिया अपने पास रखो, मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा, समझे हो? पर निराली जी ऐसे तो बस करो, तुम रुक जाओ, ये हमारे घर का मामला है और मैं नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि निराली को निराली के खानदान वालों ने बेवकूफ बनाया है। मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्ची कुछ इज्जत जो है ना वो निलाम हो, दुनिया को कुछ भी पता चले। हाँ मॉम, फिर हम करेंगे क्या? मज़ाकरात। मज़ाकरात? मतलब ये कि 5 बजे का इंतजार करूंगी मैं, इस वक्त उसका पलड़ा भारी है, घर उसके नाम है, पर हम कोई फजूल कदम नहीं उठा सकते, बाद में हमें पछताना पड़े, पता नहीं उसके जेहन में दिमाग में क्या है, जाके देखते हैं 5 बजे वो कहता क्या है। पर निराली जी एक बार बस कर तो मैं जानती हूँ लोग मेरे लिए बड़े परेशान हो, बस कर है, मेहरबानी तुम्हारी, इसने निराली से पंगा लिया है, अब निराली इसका सामना करेगी, इसका काम तमाम करेगी। ठीक है मॉम, जैसा आप बेहतर समझे। अच्छा आप नहीं परेशान हो, हम कोई ना कोई इसका सलूशन निकाल लेंगे, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ, दवाई का वक्त हो गया। हाँ दुआ दादी प्लीज रिलैक्स।